सर्च करें अपना यूट्यूब चैनल को और पाएं सबसे ऊपर हाइफ़न में ही जनरल। आप देख रहे हैं वीरेंद्र टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल को सर्च में कैसे लाते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप एक यूट्यूबर हैं और फ्रेंड आप अपना यूट्यूब चैनल को यूट्यूब में सर्च करते हैं तो फ्रेंड सर्च में नहीं आता है फ्रेंड, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि फ्रेंड जब तक आपका यूट्यूब चैनल सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा फ्रेंड, तब तक आपका यूट्यूब चैनल जो है फ्रेंड वो ग्रो नहीं करेगा। जी हाँ फ्रेंड, इसीलिए आपको अपना यूट्यूब चैनल में सर्च में लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड बहुत कोई को पता है कि सर्च में कैसे लाते हैं और फ्रेंड बहुत कोई को पता नहीं है। तो फ्रेंड जिनको भी पता नहीं है फ्रेंड, इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक जरूर देखें। क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से फ्रेंड आप अपना यूट्यूब चैनल को सर्च रिजल्ट में ला सकते हैं। तो फ्रेंड आपको अपना यूट्यूब चैनल को सर्च रिजल्ट में लाने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको एक ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप उस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो फ्रेंड आपका 100% जो है फ्रेंड यूट्यूब चैनल जो है फ्रेंड फर्स्ट नंबर में आएगा। जी हाँ फ्रेंड, यूट्यूब में जैसे ही आप सर्च करेंगे फ्रेंड आपका ही चैनल फ्रेंड फर्स्ट नंबर में आए। जो फ्रेंड आपका यूट्यूब चैनल जो है फ्रेंड एक यूनिक होना चाहिए। जी हाँ, किसी बड़े यूट्यूबर का नाम आपका यूट्यूब चैनल का नाम नहीं होना चाहिए, आपको फ्रेंड अलग से रखना है। जी हाँ फ्रेंड, और दूसरा बात की फ्रेंड आपको एक यूनिक रखना है। जी हाँ फ्रेंड, आपको एक यूनिक रखना है फ्रेंड, आप जो है फ्रेंड 2 या 3 शब्द का रखना है। जैसे कि फ्रेंड मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फ्रेंड वीरेंद्र टेक्निकली, तो फ्रेंड यहाँ पर आपको 2 शब्द या तो 3 शब्द का यूज करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि फ्रेंड ज़्यादा करेंगे तो फ्रेंड आपका जो यूट्यूब चैनल है फ्रेंड वो सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा। ज़्यादा अच्छा होता है फ्रेंड आपका यूट्यूब चैनल अगर 2 शब्द का रहता है। तो जैसे कि फ्रेंड मेरा वीरेंद्र टेक्निकल है, इसी तरह से फ्रेंड आप 2 शब्द रखेंगे तो फ्रेंड आपका जो यूट्यूब चैनल है फ्रेंड वो जल्दी सर्च रिजल्ट में आएगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको एक यूनिक ही रखना है, किसी का डुप्लीकेट नहीं करना है। यूट्यूब में किसी का भी उस प्रकार का चैनल नहीं है जिस टाइप से आप रखना चाहते हैं। जिस नाम का आप यूट्यूब चैनल का नाम रखना चाहते हैं उस नाम का कोई भी चैनल ना हो, तब जाके फ्रेंड जो है फ्रेंड आपका यूट्यूब चैनल सर्च रिजल्ट में जल्दी आएगा। यदि फ्रेंड आप पहले ही यूट्यूब चैनल बना चुके हैं तो फ्रेंड सर्च रिजल्ट में लाने के लिए फ्रेंड थोड़ा टाइम लगेगा। यदि फ्रेंड आप पहले यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है, फिलहाल में बनाना चाहते हैं तो एक यूनिक नाम से फ्रेंड यूट्यूब चैनल बनाना है। क्योंकि फ्रेंड आप एक यूनिक नाम रखेंगे तो फ्रेंड आपका सर्च रिजल्ट में जल्दी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, जिस दिन ही आप फ्रेंड यूट्यूब चैनल बनाएंगे फ्रेंड उसी दिन फ्रेंड आपका जो है फ्रेंड सर्च रिजल्ट में आएगा। यदि फ्रेंड आप पहले से यूट्यूब चैनल बनाए हैं तो फ्रेंड उसके लिए आपको 24 घंटा का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके फ्रेंड आपका जो है सर्च रिजल्ट में आएगा। फ्रेंड बिना लटके इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले फ्रेंड, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड अभी से कर दीजिए लाइक, और फ्रेंड आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बिल्कुल भी दबाएं, ताकि फिर मेरा आगे आने वाले वीडियो इसी तरह के सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। तो फ्रेंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड यूट्यूब चैनल को सर्च में लाने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर में। जी हाँ फ्रेंड, क्रोम ब्राउजर में जाकर फ्रेंड आपको अपना यूट्यूब चैनल को लॉग इन कर लेना है क्रोम ब्राउजर से। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रेंड आपको अपना चैनल का लोगो दिखाई देगा। सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पर योर चैनल में क्लिक करना है। उसके बाद में फ्रेंड आपको जानना है अपना चैनल का डैशबोर्ड में, तो फ्रेंड यहाँ पर आपको कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज चैनल में क्लिक करके उस तो फ्रेंड जैसे ही आप अपना चैनल डैशबोर्ड में आएंगे फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर फ्रेंड सबसे नीचे क्यों आएंगे तो फ्रेंड नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा सेटिंग का ऑप्शन। सिंपली फ्रेंड आपको सेटिंग्स में क्लिक कर देना है। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड आपको चैनल में जाना है, जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल में आपको क्लिक कर देना है। चैनल में क्लिक करते ही फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक में नीचे इंडिया, उसके बाद फ्रेंड नीचे आपको कीवर्ड्स दिखाई देता है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ्रेंड पहले से कीवर्ड लगाया है, ये है फ्रेंड चैनल का कीवर्ड। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आपको अपना चैनल का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप नहीं लिखे हैं तो फ्रेंड यहाँ पर आपको बिल्कुल ही खाली दिखाई देगा, और फ्रेंड यदि आप लिखे हैं तो आपको दिखाई देगा, लेकिन फ्रेंड आपका चैनल का नाम दूसरा है और फ्रेंड आप दूसरा कीवर्ड डाल दिए हैं तो फ्रेंड आपका जो चैनल है फ्रेंड वो यूट्यूब में सर्च में नहीं आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर कीवर्ड्स में आपको अपना यूट्यूब चैनल का टैग डालना है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है वीरेंद्र टेक्निकल, तो फ्रेंड मैं यहाँ पर वीरेंद्र टेक्निकल कोमा दूंगा। उसी तरह से फ्रेंड आगे एच वीरेंद्र टेक्निकल लिख फिर से कोमा दूंगा। उसी तरह से फ्रेंड उसके आगे @ वीरेंद्र टेक्निकल लिख के कोमा दूंगा। इसी तरह से फ्रेंड आपको देना है, जैसे कि फ्रेंड कोई हैच डाल यूट्यूब चैनल का नाम लिख के सर्च करता है तो फिर भी आएगा, और यदि @ और आपका यूट्यूब चैनल का नाम लिख के सर्च करेगा फिर भी फ्रेंड आप ही का वीडियो और आप ही का यूट्यूब चैनल आएगा। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पर टेक्नोलॉजी वीडियो लिख दिया हूँ, क्योंकि फ्रेंड मैं टेक्नोलॉजी वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड मैं टेक्निकल वीरेंद्र भी लिख सकता हूँ, क्योंकि फ्रेंड यूट्यूब में टेक्निकल वीरेंद्र सर्च करेगा फिर भी मेरा यूट्यूब चैनल ही सबसे पहले आएगा। यहाँ पर फ्रेंड टेक वीरेंद्र भी लिख सकता हूँ। जी हाँ फ्रेंड, मेरा टेक्नोलॉजी कैटेगरी है इसलिए फ्रेंड मैं यहाँ पर टेक वीरेंद्र भी लिख सकता हूँ और वीरेंद्र टेक भी
लिख सकता हूँ और फिर मेरे अंदर टेक्निक भी लिख सकता हूँ। इसी तरह से फ्रेंड आपको अलग अलग जो है फ्रेंड आपका यूट्यूब चैनल का नाम से लिखना है, जैसे कि वीरेंद्र टेक्निकल, टेक्निकल वीरेंद्र, इसी तरह से लिखना है फ्रेंड। इसी तरह से अपलोड वीडियो, फिर फ्रेंड टैग वीडियो, वीरेंद्र टैग वीडियो, इसी तरह से मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आपको भी उसी तरह से लिखना है। और फिर मैं यहाँ रांची से हूँ तो फ्रेंड यहाँ पर जो है रांची यूट्यूबर भी लिख सकता हूँ, या तो यूट्यूबर रांची भी। इसी तरह से फिर घुमा फिरा कि आपको यहाँ पर टैग डालना है, यहाँ पर फ्रेंड आपको 10-12 टैग डाल देना है। उसके बाद में फ्रेंड यदि आपका यूट्यूब चैनल पहले से बना हुआ है तो फ्रेंड आपको सर्च रिजल्ट में आने में फिर 24 घंटा का टाइम लग सकता है। यदि फ्रेंड आप नया तुरंत बना रहे हैं, तुरंत टैग डाल रहे हैं, तो फ्रेंड आपका जो यूट्यूब चैनल है फ्रेंड और तुरंत सर्च में आएगा। और फ्रेंड आपको पहले से यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है तो फ्रेंड उसमें आपको सर्च में आने में कुछ घंटा लग सकता है। फ्रेंड इसी तरह से आप यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल का टैग डाल के अपना यूट्यूब चैनल को सर्च में ला सकते हैं। आप इस ट्रिक को फॉलो करके फ्रेंड आप अपना यूट्यूब चैनल को सर्च रिजल्ट में ला सकते हैं, यानी फ्रेंड फर्स्ट नंबर में यूट्यूब में ला सकते हैं। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जरूर आपको इसकी जानकारी मिली, और मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड अपने आप ही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जरूर लाइक को दबा के बना चैनल बिल्कुल दबाई, ताकि फ्रेंड मेरा आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई देगी। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय जय भारत, वंदे मातरम।